घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज जो मैं अलंकार लेके आया हूं, या आज जो पलटा एक मैं बताने जा रहा हूं, वो बल का अलंकार है, यानी एक झपट उसमें रहेगी। जो अलंकार का फॉर्मेट देखेंगे अभी, एक जो पैटर्न देखेंगे, वो आपकी गायकी के लिए भी है, आपके वादन के लिए भी है, दोनों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, गले में बल पैदा होता है। जैसा कि हम देखते हैं, जब कूदना फांदना जब स्वरों में होता है तो मालूम चलता है कि स्वर कितना पक्का है। तो ये कुछ उसी प्रकार का अलंकार है, जिसमें कि एक सुर से दूसरे सुर पर कूदना होगा, है ना, और सप्तक के सप्तक कूदने होंगे, है ना। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो इसमें सा से सा तक कूदेंगे तो सा 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 रे रे ग ग, ये जो जंप है ये इसमें रहेगा। तो कैसे जाएगा ये, सा सा नी धा पा मा ग रे रे सा नी धा पा मा ग रे रे सा सा नी धा पा मा ग रे रे सा नी धा पा मा ग ग रे सा नी धा पा मा ग रे। देख रहे हैं आप ये जो जंप है, तो इसका क्या पैटर्न बनता है, कैसे ये लय ताल में आता है, क्या ये एक लूप का अलंकार है, है ना, क्योंकि ये ऐसा ही जाता है, सा सा नी धा पा मा ग रे रे सा नी धा पा मा ग रे सा नी धा पा मा ग रे रे सा नी धा पा मा ग ग रे सा नी धा पा मा ग रे सा नी धा। कितना भी बना लो ये दोबारा सा पर ही आता है ना, पंचम तक भी चले जाओगे तब भी ये सा पर ही आएगा। तो ये आप वादन में तो किसी भी स्केल से कर सकते हो, गायन में अपने गले के अनुसार, अपनी रेंज अनुसार आप इसको जितना कर सको उतना करो, है ना। इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, जैसे सा सा रे ग म प ध नी, है ना, नी तक आते ही फिर आप अवरोम उल्टा कूद जाओ, सा 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 रे ग म प ध नी नी रे नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी नी रे, है ना। समझ रहे हैं ना आप कैसे जा रहा है, सा 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 रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा, है ना। ये आप षड्ज तक या जहां तक भी आपका रेंज हो वहां तक। अब आगे वीडियो में आप देख लीजिए कि इसका कैसा पैटर्न बनता है, उसी अनुसार आप इसका अवरोह भी बना सकते हैं, कि ऐसे भी इस अलंकार को किया जा सकता है, गाने में भी और बजाने में भी, ठीक है। तो जो हमारा अलंकार है वो कैसा शुरू होता है, मध्य सप्तक के सा से सा, फिर सीधा जंप जाता है तार सप्तक के सा पर, जो कि है ये सा, फिर उल्टा आ जाते हैं हम पूरा, नी ध प म ग रे, रे तक ही आएंगे, सा सा नी ध प म ग रे, है ना, फिर हम रे पे वापस जाएंगे और सा नी ध प म ग रे सा करेंगे। तो ये कितने सुर हो रहे हैं हमारे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, है ना। फिर रे से सीधा जंप हमारा अगले सप्तक के रे पर होगा, जैसा कि यहाँ किया हमने सा सा, वैसे ही रे रे और फिर सानी धपा मगर ऐसा तो आएंगे ही, रे फिर यहाँ सीधा तार सप्तक का रे, फिर अवरो आ जाएंगे सा नी ध प म ग रे। तो ये भी कितने शुरू है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। हम चाहें तो इस रे के बाद सा लगा के इस अलंकार को खत्म कर सकते हैं, जैसे कि ये जा रहा है सा सा नी ध प म ग रे रे सा नी ध प म ग रे सा, और यहाँ सा से ये दोबारा एक लूप बन जाएगा, है ना। ये अगर पूरा अलंकार यहाँ से सा से शुरू हुआ है तो ये सा सा नी ध प म ग रे रे सा नी ध प म ग रे, है ना, फिर से आ गया ये सा पर आ जाता है। ये रे का जो बाद का जो सा होगा वो हमारा शुरुआत का सा बन जाएगा, लेकिन अगर इस लूप को बढ़ाना हो तो यही आप आगे करते जाइए, रे रे सा नी ध प म ग, ये जो ग किया, अब ग के बाद आप यहीं पे आठवां जो सुर बनेगा उसको तार सप्तक का ग लगा दीजिए, है ना। ये अगर ग बन जाएगा
ये तार सप्तक, क्योंकि ये मध्य का हुआ फिर ये तार का चला गया। कैसे जा रहा है ये, रे रे सा नी धा प म ग, ये ग तक आ गए ग, फिर ग रे सा नी धा प म ग रे सा, ये लूप यहां भी यहां तक भी आ सकता है। ग जैसे ग ग गए, फिर ये रे सा नी ध, ये सेम पैटर्न दोबारा आप देख रहे हैं, ये रिपीट हो गया, यानी ये वही लूप सा पर दोबारा आ गया। चाहो तो इस लूप को और बढ़ा लो, ये म के बाद यहां पे म लगा दो, तो ये म ग रे, ये जैसी म ग आ गया फिर से रे आ जाएगा यहां पे, अगली लाइन में ये वही रेसानी आ गया है ना। और लूप को बढ़ा लो, प के बाद ही शुरू कर दो ये लूप, तो ये प म ग फिर वापस रे ही आ जाएगा। और बढ़ा लो, ध प म ग, और बढ़ा लो नी द प म ग, और बढ़ा लो तो ये सा नी द प म ग रे। ये जो रे होगा ये हमारा ये वाला रे है ना, और ये जो सा है ये अतितार का सा है। तो ऐसे करके ये पूरा लूप में अलंकार चलता है ना। ये आप जितना चाहो उतना गा सकते हो। इसको अब हम बजा के देखते हैं हारमोनियम पर एक बार, कैसा जाएगा ये। ये सा 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 सा, डायरेक्ट जंप है, सा सा नी धा प म ग रे रे सा नी धा प म ग रे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। है ना, ये पूरा लूप तो है ही है। अब ये रे तक ना लाके ग तक ही लाके और ग से ही हम चेंज कर दें तो कैसा जाएगा। है ना, एक एक मात्रा पीछे खिसकते खिसकते ये सा तक आएगा। फिर और एक बढ़ा लो तो है ना, ये पूरा एक लूप जाएगा, वो रिदम में बराबर आता रहेगा। एक और सुर आगे बढ़ा लो, है ना, रिदम में बराबर ही आएगा ये। एक और सुर आगे बढ़ा लो, एक और सुर बढ़ा लो तो सा तक जा सकता है ये ना। ये ऐसे आप कर सकते हो, इस पूरे अलंकार को गा भी सकते हो, बजा भी सकते हो। है ना, फिर एक दूसरा अलंकार जो आप कर सकते हो, जो ऐसे ही है हाथ में थोड़ा सा फर्राटा फटराटीदार अगर हाथ चलाना है तो कैसे चला सकते हो। सारे सारे गरे सा, सारे गामा गरे सा, सारे गामा भमा गरे सा, सारे गामा धा भम, सारे गामा पादा भमा गरे सा, सारे गामा पादा नी धा भमा गरे सा, सारे गामा पादा नी सा नी धा भमा गरे सा। एक एक सुर आगे बढ़ा रहे हैं, सारे सारे गरे सा, सारे सा सारे गरे सा, है ना। सा को दोबारा मत लगाना, वो उससे ब्रेक होता है। सारे सारे गरे, सारे गामा गरे, सारे गामा भमा गरे, सारे गामा धा, है ना। ऐसे करके अगर आप जाते हो तो सा तक जा सकते हो। ऐसे करके पूरे तीनों सप्तकों को मैं आपका हाथ इक्वल चल जाएगा, नोट जो है हाथ में सेट हो जाएंगे कि कौन सा सुर इस सप्तक में यहाँ, इस सप्तक में यहाँ। जैसे मैंने कई लीपिंग एक्सरसाइजेस बताई हुई थी, उसमें ये हम प्रैक्टिस करते हैं, सा 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 सा, फिर रे 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 रे, फिर ग ग ग ग, है ना। इससे क्या होता है, हमारे हाथ को आदत पड़ जाती है कौन सा सुर किस सप्तक में कहाँ है। तो इसका एक्सरसाइज का भी आप प्रयास कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। बाकी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देखिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही और भी हारमोनियम टेक्निक्स आपको सीखने को मिल सकती है।